तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के टॉप 10 ऐसे मिथ्स दैट यू वुड नॉट बिलीव आर रियल, सो गेट रेडी टू ब्लो योर माइंड्स। तो पहला मिथ हमारे पास कुछ ऐसा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मिथ अगर हम स्ट्रेंथ का पोशन पी के एरो मारते तो वो ज्यादा दूर तक जाता है। क्या यह मिथ सच्चा है कि झूठा है, इसको अभी टेस्ट करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिथ है। तो यहाँ पे मैं इस साइड में कहीं पे एरो मारूंगा और मेरे पे स्ट्रेंथ का पोशन भी है, तो सबसे पहले मैं नॉर्मली एक एरो को मारता हूँ एक ही डायरेक्शन में, और यहाँ पे मैंने मार दिया एक नॉर्मल से, इस तरफ मैं एक एरो शूट कर देता हूँ, लेट्स गो। तो यहाँ पे मैंने शूट कर दिया, इसी पोजीशन में मैं पहले सबसे पहले स्ट्रेंथ का पोशन पी लेता हूँ, और एग्जैक्ट सेम पोजीशन पर देख लीजिए मेरा मार है, और वैसे ही मैंने एक और एरो फेंका। एंड नाउ लेट्स चेक कि क्या एरो जो है वो दूर जाएगा, एकदम सेम मार्क्स और सेम डिस्टेंस से मैंने फेंका हुआ है। तो यहाँ पे कहाँ पे एरो गिरा है पहले मैं ये देख लेता हूँ, तो यहाँ कहीं एरो तो गिरा हुआ, ये रहे दोनों एरो, तो यहाँ पे देख सकता हूँ आप एकदम क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों एरो अलग अलग पोजीशन पे गिरे हैं और एकदम सेम मतलब एंगल से और सब कुछ सेम से सेट किया गया था, सो स्ट्रेंथ के पुशिंग का इफेक्ट इन पे दिखा है, हेंस द मिथ इज कंफर्म। सो हमारा नेक्स्ट मिथ है कि वंडरिंग ट्रेडर्स कैन ओपन आयरन डोर्स विदाउट बटन इफ़ यू बीट हिम। क्या भाई, मैंने यहाँ पे लगा दिया लोहे के गेट जो भी बिना बटन के, और यहाँ पे मैं स्पॉन करता हूँ वंडरिंग ट्रेडर, स्पॉन हो गया है। और एक मिनट भाई, इसने स्पेल पी क्यों पी लिया भाई, इनविजिबल क्यों हो गया ये? ओ एक मिनट, मैंने बटन अपने आप ही खोल के बाहर निकल गया, मैंने तो मारा तक भी नहीं इसको भाई। आई थिंक ये वो जॉगलिन मतलब वो पिगलिन से डर के भाग गया, इसे इनविजिबिलिटी स्पेल पे भाग लिया। लेकिन भाई ये देख लो, यहाँ पे कहीं बाहर आ चुका है ये, और यहीं पे इसके रस्सी वस्सी दिख रही है। आई थिंक मैं इसको बीट कर रहा हूँ, तो हाँ आवाज़ भी आ रही है, देखो ट्रेड व्रेड भी लिखा रहा है। तो सही में ये बाहर बिना आयरन डोर मतलब बिना बटन के ही आयरन डोर खोल लिया है, हैंस कन्फर्म। ओके तो भैया ने तो बहुत सारे मिथ लिख दिया, तो लेट्स चेक इन सब मिथ्स में से कुछ इंटरेस्टिंग मिथ चेक कर लेते हैं इनमें से। तो इनमें से सबसे पहला मिथ था कि फॉर्चून पिकैक्स से हमारे जो एक्सपी है वो भी फॉर्चून आती है। तो पहले मैं नॉर्मल पिकैक्स से जो है वो डायमंड माइन करके देखता हूँ, ठीक है? तो देख उसके पहले हम डायमंड माइन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो एक्सपी लेवल है, हमें पता है कि फॉर्चून से डायमंड तो ज़्यादा मिलता है, क्या एक्सपी भी ज़्यादा मिलती है, एक बार देख लेते। तो हमारे पास देख लीजिए कितना एक्सपी बार कितना बढ़ा हुआ है, ठीक है? एंड अब मैं आता हूँ फॉर्चून की पिकैक्स के साथ। तो मैंने लगा लिया फॉर्चून बन क्या पिकैक्स, और यहाँ पे मैं माइन कर रहा हूँ, और मेरे को लग रहा है एकदम सेम लेवल ही तो मिल रहे हैं, लेट्स चेक। तो अभी तक तो बहुत, और ये लास्ट होते ही हमें, ओ भाई सही में आप देख रहे होंगे एक्सपी बार थोड़ा सा पहले से बढ़ा हुआ है, हैंस द मिथ इज कन्फर्म। ओके तो हमारा जो अगला मिथ है वो है कि अगर हम क्रिएटिव में शल्कर बॉक्स जो है उसको तोड़ेंगे तो वो हमें कलेक्ट हो जाएगा, और वही एक ऐसा ब्लॉक है जो क्रिएटिव में कलेक्ट हो सकता है। इसके साथ मेरा एक क्वेश्चन भी होगा, तो पहले मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक शल्कर बॉक्स ले लिया, इसके अंदर मैं कुछ भर देता हूँ, क्योंकि बिना भरे अगर तोड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये भर दिया मैंने, एंड देन इसको तोड़ेंगे तो यस ये कलेक्टेबल है, और देख सकते हैं आप एकदम कलेक्टेबल है फुल टू फुल, ये शल्कर बॉक्स दूसरा और ये वाला हमारा जो कलेक्टेबल है। लेकिन इसके साथ मेरा एक और क्वेश्चन है, आप किसी एक और ब्लॉक का नाम जो है वो बताइए जो ब्रेक करने पे कलेक्ट होता है क्रिएटिव में, ठीक है? और जिसका सबसे पहला आंसर आएगा करेक्ट वाला, उसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है? एंड हे, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो कमेंट है वो फीचर हो नेक्स्ट वीडियो में, तो एक यूनिक वाला मिथ जो है वो कमेंट कर दो। रिमेंबर कि वो पिछली वीडियोस में से नहीं होना चाहिए, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट या फिर टिकटॉक एक्स में, नहीं होना चाहिए, आपका खुद का यूनिक एकदम मस्त वाला मिथ होना चाहिए ताकि मैं उसको पिक कर सकूं। एंड सॉरी अगर आपका मिथ पिक नहीं हो पाता, तो आप ट्राई करिए यूनिक मिथ लिखने का, या फिर मैं उनको शॉर्ट्स वीडियो में भी फीचर कर लूँगा। सो हमारा नेक्स्ट मिथ है कि अगर हम वेदर को रीनेम करेंगे तो वो उसके हेल्थ बार में शो होगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिथ है भाई, तो एक बार इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मिथ वर्क करेगा कि नहीं। तो मैं इसके लिए एकदम मस्त गड्ढा वड्ढा खोद के ले आया हूँ, और यहाँ पे मैं स्पॉन करूँगा वेदर, उसका नेम दूंगा लाइक दिस वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो यार, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, इस वीडियो को लाइक करेंगे तो आपके मतलब वर्ल्ड में वेदर नहीं आएगा। तो आप कर सकते हैं लाइक इस वीडियो को, अगर नहीं किया तो भाई आपके मतलब वर्ल्ड में अचानक से वेदर आ जाएगा भाई, प्लीज़ लाइक कर दो अगर अच्छी लगती है वीडियो तो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं विदर सबसे पहले स्पॉन कर लेता हूँ, ये दूसरा स्कल और ये लगाया मैंने तीसरा स्कल, तो यहाँ पे हो चुका है हमारा विदर स्पॉन, और भाई आयरन गोलम उसको मारने में लग गए, और मैं इसको रीनेम करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने रीनेम कर दिया। ओ भाई साहब, लिटरली इसका मैंने रीनेम किया और यहाँ पे हेल्थ बार में शो हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मिथ था ये, लिटरली एपिक था, और देख सकते हैं आप एकदम अच्छे से शो हो रहा है लाइक दिस वीडियो इस विदर के हेल्थ बार में, हैंस द मिथ इज कन्फर्म। सो हमारा नेक्स्ट मिथ है वो है कि अगर हम एक्सलॉटल को मारते हैं तो वो मरने की एक्टिंग करता है, और वो उतने टाइम में अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। तो लेट्स ट्राई दिस मिथ, तो यहाँ पे मैं एक्सलॉटल को यहाँ पे लगाता हूँ, एक एक्सलॉटल हमारा यहाँ पे आ गया है, एंड मैं इसको हिट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं भाई पिंक पिंक से कुछ निकल रहा है, ये मरने की एक्टिंग जैसे कर रहा है वो, भाई एकदम मस्त वाला एक्टर बन जाएगा भाई, तेरे को सलमान भाई उठा के ले जाएगा अपनी कंपनी में, उठ जा वरना देख सलमान भाई का नाम सुनते ही उठ गया भाई।
लेकिन एक छोटी सी बात कि अगर आप इसको पानी के बाहर मारते हैं तो ये डायरेक्टली मर जाता है, लेकिन जो भी हो हैंस दम इट इज़ कन्फर्म। तो हमारा जो अगला मिथ है वो है कि अगर हम डोर जो है वो लावा में डालें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम लकड़ियाँ डालें तो वो जल जाएगी। तो लेट्स ट्राई दिस मिथ। तो आपको पता होगा कि जो मैं लकड़ियाँ इसको मैं पानी में या मतलब लावा में फेंकता हूँ, ये देखो जल रही है, बार बार जल रही है, मतलब जितनी भी सारी जो लकड़ियाँ हैं वो सारी की सारी जल रही है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे लावा एक डोर के बगल में लिखा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक डोर नहीं जला। भाई डोर को क्या है, डोर इनविंसिबल है, डोर जल नहीं रहा, लावा उसके बगल में, और मैं डोर के ऊपर मतलब लावा के ऊपर डोर प्लेस करूँगा तो लावा गायब, वो जलेगा नहीं, उसको गायब ही कर देगा। वाह भाई क्या ही लॉजिक है माइनक्राफ्ट का, माइनक्राफ्ट का लॉजिक उतना ही है जितने मेरे पेपर मार्क्स यानी कि जीरो। बात तो सही है। और साथ ही साथ ये मत पूछना भाई मेरी स्किन कैसे चेंज हो गई, वो मेरे कपड़े धुलने के लिए गए हैं तो मैंने उनका उज्ज्वल भाई के कपड़े उधार में ले लिए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो यार। सो अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट मिथ, हम कोल्ड्रेन में जो पानी प्लेस करते हैं वो गायब नहीं होता, जो आपको नॉर्मली तो पता ही होगा, ये शायद मोस्टली लोगों को ये वाला फैक्ट पता हो। तो आपको पता होगा कि कोल्ड्रेन में हम पानी भर सकते हैं लेकिन नेदर में कहीं और नहीं पानी भर सकते। लेकिन मैं आज आपको दिखाता हूँ एक तरीका जिससे आप शायद नेदर में भी पानी ला सकें। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपका वो कमांड वाला जो चैट वाला ऑप्शन होता है वो खोलना है, और उसमें ये वाली जो मैं अभी कमांड डाल रहा हूँ आपको सेम टू सेम डाल देनी है। यहाँ पे आप सेट ब्लॉक वाले कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर फिल कमांड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसा मैं लिख रहा हूं आपको वैसे वैसे लिख देना, स्लैश सेट ब्लॉक या फिर स्लैश फिल, दोनों में से जो लिखना है। देन इसके बाद टिल्डा टिल्डा टिल्डा, ये वाला साइन होता है एक टिल्डा कहते हैं इसको। देन वाटर लिख देंगे आप जैसे ही, तो यहां पे आप इसको ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं यहां पे नेदर में आ चुका है पानी और ये इवेपोरेट बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। आप फिल कमांड से आप जितने बड़े एरिया में चाहें उतने में कर सकते हैं, और ये असली पानी है भाई, वो नेदर में होने के कारण उसको थोड़ा सा अजीब सा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा गंदा सा एकदम रेड तरह का, लेकिन वो पानी एकदम असली वाला पानी है। और उसको मैं ये फ्लो भी होगा पानी, ऐसा नहीं है कि ये फ्लो नहीं होता, ये देखो फ्लो भी होता है एकदम, एक ब्लॉक पे सेट नहीं रहता, फ्लो भी होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एपिक मिथ था, एज द मिथ इज़ कन्फर्म। और साथ ही साथ आप मेरा फैक्ट भी कन्फर्म कर सकते हैं, आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं स्लैश फिल वाली कमांड या फिर स्लैश सेट ब्लॉक वाली कमांड यूज़ करके आप कोई सा ब्लॉक सेट कर सकते हैं नेदर में। तो अगला मिथ है वी कैन पुट एन अनब्रेकिंग ऑन शील्ड, मतलब अनब्रेकिंग एंड मेंडिंग ऑन शील्ड। तो सिंपल सा मिथ है लेकिन ट्राई कर लेते कि भाई शील्ड पे भी एन्चेंटमेंट लगती है, ऐसा क्या। तो एक बार मैं अनब्रेकिंग डाल के देखता हूँ, एक मिनट भाई अनब्रेकिंग तक लग गई और मेंडिंग भी लग जाएगी क्या। यस दोनों लग रही है भाई साहब, ये एकदम आपकी एकदम एन्चेंटेड शील्ड बन चुकी है, हैंस द मिथ इज कन्फर्म। सो हमारा जो लास्ट मिथ है वो है कि जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, अगर अब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो ग्रे हो जाएगा। तो ये मिथ तो मैं ट्राई नहीं कर सकता, ये आपको ही ट्राई करना पड़ेगा, और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर ये मिथ कंफर्म है तो लिख देना नीचे मिथ कंफर्म। एंड गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और भी इंटरेस्टिंग वाले मिथ्स के वीडियो देखने हैं तो आपको दो वीडियो जो है वो सामने दिख रही होगी। एम करते हैं 60 लाइक्स का, जो तभी मैं अगली वीडियो जो है मिथ्स को निकालूंगा। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, bye-bye.